और मेरा फर्स्ट शो था और इतना इतनी ज्यादा ऑडियंस, मेरे को लगता नहीं था कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। गाइस सब्सक्राइब कीजिए इंडिया का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग अपडेट चैनल, और मैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप सभी के पास आ चुका हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो गाइस हमेशा की ही तरह हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के प्रो शो के अपडेट के साथ, और सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे प्रो शो के 212 डिवीजन के बारे में। और जो फाइनल रिजल्ट्स है ना गाइस, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सुनीत यादव सेकंड, हमीद जोमा जो कि दोस्तों बहरीन के बॉडी बिल्डर है, उनको यहां पर दी जाती है फर्स्ट प्लेसिंग। और इसके अलावा भी दोस्तों जो हमारे दूसरे नाम है उनको भी आप लोग इन वाली पिक्चर्स में देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी से एक छोटा सा ओपिनियन लेना चाहूंगा कि क्या सुनील यादव भाई जो है वो इस वाली कैटेगरी में फर्स्ट प्लेसिंग डिजर्व करते थे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये भी काफी ज्यादा नजदीक थे। क्योंकि गाइस जब मैं एक लाइव वीडियो देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि जो क्राउड है ना उसकी तरफ से सुनील यादव जैसी काफी सारी आवाज आ रही थी, और मैं भी दोस्तों यहाँ पर जो है काफी ज्यादा श्योर हो गया था कि सुनील यादव भी जीतने वाले हैं इस वाले प्रो शो को। लेकिन गाइस जो जजेस होते हैं ना, उन्होंने हम सभी की सोच से एकदम परे डिसीजन दिया और जो हमीद जुमा है उनको प्रोशो जिता दिया। बाकी गाइस आप सभी को क्या लगता है इन वाली पिक्चर्स को देखकर कि जो सुनील यादव है वो फर्स्ट प्लेसिंग डिजर्व करते थे? आप सभी अपना जो भी ओपिनियन है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे प्रो शो की क्लासिक कैटेगरी के बारे में, और इसमें जो दोस्तों हमारे टॉप 5 विनर्स है ना, उसमें फर्स्ट आते हैं हमारे अब्दुल्ला, दूसरे आते हैं दोस्तों मनोज सारंगा पानी, थर्ड आते हैं दोस्तों डिमिट्री, और फोर्थ प्लेसिंग दीपक नंदा। और गाइस बात की जाए फिफ्थ प्लेसिंग की, तो गाइस फिफ्थ प्लेसिंग आती है अपने राजेश यादव भाई की। और गाइस मैं क्लासिक प्रो शो में किसी एथलीट को लेकर सबसे ज्यादा सरप्राइज हूं तो गाइस वो है अपने दीपक नंदा, जो कि है दोस्तों इंडियन रॉक। और सबसे पहले तो दोस्तों ये बात अमेचर ओलंपिया की प्री जजिंग में ही क्लियर हो गई थी कि जो दीपक नंदा है दोस्तों वही जीतेंगे प्रो कार्ड। और जब बारी आई दोस्तों प्रो शो की, तो आप लोग देख सकते हैं कि फोर्थ प्लेसिंग के साथ में उन्होंने यहां पर भी झंडे गाड़ दिए। तो गाइस आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से एथलीट के प्रो शो जीतने या फिर प्रो कार्ड जीतने पर आप लोगों ने खड़े होकर अपने घर पर डांस किया है। और अगर मैं अपना बताना चाहूँ दोस्तों, तो मैं इंडियन रॉक के जीतने पर काफी ज्यादा खुश था। बाकी आप सभी अपना भी बताइए कि आप लोग कितना झूमे। तो गाइस अब इसके बाद हम बात करेंगे आप सभी की फेवरेट कैटेगरी मेंस फिजिक के बारे में। और अगर दोस्तों इसमें बात की जाए टॉप 5 की, तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट भुवन चौहान, सेकंड इमरान खान, जिन्होंने कि दोस्तों कतर को रिप्रेजेंट किया था, और जो थर्ड आते हैं ना दोस्तों वो है हमारे राजकुमार पासवान, जो कि है दोस्तों हमारे राहुल फिटनेस। और इन्होंने तो दोस्तों प्रो शो में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दिया थर्ड प्लेसिंग गाइस, क्योंकि गाइस काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि उनको क्रिटिसाइज करते थे कि आपकी जो पोजिंग है ना वो काफी अच्छी नहीं है। बट गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रो शो में इन्होंने झंडे गाड़ दिए। और अगर दोस्तों बात की जाए फोर्थ प्लेसिंग की, तो गाइस डेल्टा दिलीप जो कि इतना भी खराब नहीं था, और जो फिफ्थ प्लेसिंग आती है ना गाइस वो है आप सभी के फेवरेट बूम बूम सुपर सैम। तो गाइस अब इसके बाद हम बात करेंगे अमेचर के बारे में, और जो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो गाइस जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंटिक फिटनेस इंडिया को। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस फिजिक के बारे में, और सिद्धांत जायसवाल सर की जो प्री जजिंग है ना उसको देखने के बाद में आप लोग ये बोलने लगे थे कि ये जो है ना प्रो कार्ड नहीं जीत पाएंगे। बट गाइस प्रो शो वाले दिन जो इनकी कंडीशनिंग निकल कर आई थी ना गाइस वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, और ये इसी वजह से काफी इजी प्रो कार्ड जीत जाते हैं। बाकी गाइस अगर हम बात करें मेंस फिजिक कैटेगरी के दूसरे प्रो कार्ड की, तो गाइस यहाँ पर जो है अपना दूसरा प्रो कार्ड जीते हैं लवप्रीत। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों इनको लेकर कि ये जो है ना अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पैकेज लेकर आए थे इस बारी का अमेचर ओलंपिया में। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तीसरे प्रो कार्ड की, तो गाइस जो तीसरा प्रो कार्ड होता है ना उसको जो है एक बाहर के एथलीट जीतते हैं, और इनका जो नाम है ना गाइस वो तो मेरे को नहीं पता। तो गाइस अब इसके अलावा हम बात करें क्लासिक कैटेगरी की, तो गाइस जो पहला प्रो कार्ड है वो जीतते हैं हमारे दीपक नंदा भाई, और जो दूसरा प्रो कार्ड जीते हैं गाइस उनका नाम है मयंक रागर, जो कि एक काफी ज्यादा यंग बॉडी बिल्डर है और दोस्तों इनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और जो तीसरे एथलीट है दोस्तों जो कि राइट में खड़े हुए हैं उनका नाम है अमनदीप सिंह। तो गाइस अब इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के बारे में, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में जो बॉडी बिल्डर जीते हैं उन सभी को आप लोग इन वाली पिक्चर्स में देख सकते हैं। और जो बीच वाले बॉडी बिल्डर है उनका नाम है दोस्तों लोसमा भी जोल किफली, और जिस बॉडी बिल्डर के दोस्तों गोल्डन है उनका नाम है अविलास मनंकम, और जो हमारे तीसरे बॉडी बिल्डर है उनका नाम है दोस्तों मुन्नू स्वामी। तो गाइस अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे प्रो मौसा तौबली भाई हैं उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, क्योंकि गाइस इनको लेकर आप सभी के काफी सारे कमेंट्स आए थे। तो गाइस इन्होंने जो है मेंस फिजिक कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ये मेडल जीतने के बाद दोस्तों ये सीधा जाकर अपने पिताजी को ये मेडल पहनाते हैं, और जो है काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं ये। तो गाइस लिटरली ऐसी तस्वीरें देखकर ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड गाइस आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी बॉडी बिल्डर हु कॉम्पीट इन एनी बॉडी बिल्डिंग शो। तो गाइस अब इसके बाद हम राहुल फिटनेस को देखेंगे कि उनका जो आफ्टर कॉम्पिटिशन रिएक्शन है ना वो कैसा है, और अब इसके बाद में दोस्तों जो उनके फ्यूचर प्लान्स है ना वो क्या है। सभी भाइयों को राम राम भाई, इतना सारा आप लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मेरा फर्स्ट शो था और इतनी ज्यादा ऑडियंस, मेरे को लगता नहीं था कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना जानते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से भाई हाथ जोड़ के आप लोगों का नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मेरा फर्स्ट प्रो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को थर्ड आया,
मैं अभी और अच्छी मेहनत करूंगा, लाइफ में और आगे बढ़ूंगा, आप लोगों के सपने को साकार करूंगा, जो भाई लोग मुझे इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया। अभी मैं रेस्ट करूंगा 5-6 महीने और फिर अगेन कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा अच्छी मेहनत करके अपने गुरु जी के पास जाऊंगा, मुकेश जी के पास। सबसे पहले मैं खाटू श्याम जी के पास जाऊंगा, उनका बर्थडे है 4 तारीख को भाई, तो जिस भाई को मिलना है वहाँ पे आ जाना, खाटू श्याम जी का बर्थडे बनाएंगे बहुत तगड़े वाला, उनके चरणों में ले जाके गिफ्ट रखना है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की देन है और मेरे गुरु जी की कृपा है और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और आप लोग सब, आप सभी लोगों का प्यार और मेरे दो दोस्त बैठे पीछे, मेरे लकी चैंप गौरव और कटोच। तो भाई ये दोनों मेरे लिए बहुत लकी है, ये जहाँ भी जाते हैं हम मेडल लेके जाते हैं, 5 बार मेरे साथ गया और मैं 5 बार गोल्ड लेके आया हूँ। मेरा फर्स्ट शो था, बड़े बड़े एथलीट थे, मेरे को बड़ा मजा आया और मैं फर्स्ट बंदा बना जो टॉप 3 में आया इंडिया से जितने भी प्रो हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती और मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू वेरी मच भाई इतना सारा प्यार देने के लिए, लव यू मेरे भाई। और जो भी क्वेश्चन आंसर आपके है, अभी मैं एक क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, एक क्वेश्चन आंसर बनाते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो यूट्यूब के ऊपर आएगी और मेरा प्रो शो का भी वीडियो आएगी और एक फनी सी वीडियो बनाएंगे, मैं नहीं तो कौन भी। तो भाई आप देखना जरूर, मजा बहुत आएगा। सभी भाइयों हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम भाई, सभी खुश रहो और अपने सपनों को पूरा करो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। तो चलते हैं भाई, अभी वीडियो की तैयारी करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और आपके सवालों का जवाब देंगे अपने यूट्यूब के ऊपर।